जी, ध्यानचंद जी की जयंती पर पूरा खेल सप्ताह मनाया गया दिनांक 21 तारीख से 29 अगस्त तक, जिसमें स्टेडियम में हम लोगों ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक और हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बहुत सफल आयोजन हुआ। पूरे सप्ताह जनपद की विभिन्न टीमों ने प्रतिभाग किया और लगभग 350-400 खिलाड़ियों ने इसे प्रतिभाग किया। किसी भी कार्यक्रम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे निर्णायकों ने, हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा तालमेल से अपना खेल खेला और उन्हें खिलाया, कोई विवाद नहीं हुआ और ये प्रतियोगिता आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आज प्रतियोगिता के जो मुख्य अतिथि थे पूर्व विधायक श्री पप्पू भड़तोल जी और विशिष्ट अतिथि क्रीड़ा भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रामपाल जी के करकमलों से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और सभी खिलाड़ी बहुत प्रसन्नचित दिखाई पड़े। निश्चित ही इस तरीके के आयोजनों से आने वाले समय में जनपद में खेल एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। खेल की भावना से खेल खेलें और पूर्ण मन लगाकर खेल को खेलते हैं, ऐसी भावना बच्चों में आए। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर हैं और उनके द्वारा आज उनका हम लोगों ने जन्मदिवस मनाया है। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम स्टेडियम ने आयोजित किया बच्चों के विकास के लिए। यहाँ के सारे कोचेस, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सब बहुत मेहनत करते हैं। मैं खेलो इंडिया से हूँ, हॉकी कोच यहाँ बरेली से। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अनुशासन से खेले और मेहनत से खेले। आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा हुआ, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बच्चों ने बहुत अच्छे से खेला है और उम्दा प्रदर्शन हुआ है। हमारे स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताएँ हुई और उसमें खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। बहुत अच्छा खेलों का नज़ारा था। आज पूरा ग्राउंड हमारा भरा हुआ लगता था। आज जो सच्ची श्रद्धांजलि है ध्यानचंद जी को, इसी उसमें देते हैं हम। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश यादव, मैं जिम्नास्टिक प्रशिक्षक हूँ और स्टेडियम में इस समय 29 अगस्त के उस पर उपलक्ष में दादा ध्यानचंद का जन्मदिन मनाया जाता है और खेल कराया जाता है, विभिन्न खेलों कराया जाता है, जिसमें खेल सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार खेल सप्ताह के अंतर्गत जिम्नास्टिक्स, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएँ हुई हैं और हॉकी की भी प्रतियोगिता आज आखिरी दिन है, चल रही है, और जिसमें सभी विजेता खिलाड़ियों को आज 29 अगस्त पर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, कोई भी खेल बच्चों को मन से खेलना चाहिए और उसमें समय से आएँ और समय की पाबंदी होनी चाहिए कि अपना मतलब आना है तो आना है, तभी खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है, यही है। और जिम्नास्टिक में छोटे बच्चों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, कम से कम 5 साल के बच्चे आएँ और जिम्नास्टिक सीखें तो आगे भविष्य में वो दूसरे खेल को भी आसानी से खेल सकते हैं।